उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नगर के इलाके में रेस्टोरेंट के बाहर स्टंट कर रहे बाइकर्स को पुलिस ने सबक सिखाया है। मॉर्निंग वॉक के समय कई गाड़ियों से युवक स्टंट कर रहे थे, वहीं स्टंट के चलते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। स्टंट बासों को देखकर जेसीपी पीयूष मोडिया ने कार्रवाई की है। ये स्टंट बास युवक एसिड अटैक से पीड़ित लड़कियां द्वारा चलाए जा रहे रेस्टोरेंट के सामने स्टंट बाजी करते हुए शोर शराबा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने स्टंट बाजों पर कार्रवाई की। वहीं एसिड अटैक के पीड़ित लोगों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शुभकांत श्रीवास्तव ने, आइए सुनते हैं। एसिड अटैक से पीड़ित जो लड़कियां थी उनको दिया था और इसको एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है, सिर्फ उन लड़कियों के लिए कि यहाँ पे वो अपना कैफे खोलें और अपनी रोजी रोटी इसी कैफे से चलाएं। हम कोशिश करेंगे यहाँ बात करने की किस तरह से इसको चलाया जा रहा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, आज सुबह कुछ बाइकर्स आए यहाँ पे और काफी जो है यहाँ शोर शराबा हुआ और यहाँ से पुलिस कमिश्नर गुजर रहे थे, उन्होंने कार्रवाई भी किया, तो कैसा माहौल है, किस तरह का है, कुछ बताइए। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ टूर पे लोग जाया करते हैं, कोई साइकिल से जाता है, कोई आप देखिए लोधेसरन जाते हैं तो कांवरिया उठा के ले जाते हैं, तो जो उनका काम है बम भोले करते हुए जाते हैं, जो साइकिल वाले वो अपना काम करते रहते हैं। इसी तरह ये स्टंट वाले बच्चे नहीं थे, ये बाइकर्स थे, ये टूर करते हैं जगह जगह पर, तो उन्हें मेरा रेस्टोरेंट दिखा। ठीक है, चूंकि हमारा जो रेस्टोरेंट खुलने का टाइमिंग है वो 10:30 का है, तो यहाँ पे बच्चे झाड़ू लगा रहे थे, इसमें 4-5 आगे उधर जो आपने सर बताया वो गुजर रहे थे, तो एक्चुअली उनकी जो बाइक थी बड़ी हाईवी थी, उसकी वजह से उनका जो आवाज थी तेज हो गई, तो पुलिस प्रशासन ने अपना बहुत अच्छा काम किया। मैं उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने भी समझाया किस तरह से आप लोग हरकत ना करें और चालान करके ये संकेत दिया कि आप टूरिस्ट हो या कोई भी हो, लेकिन आप एक नियम का पालन करें।